कर रही है, साथ में जो प्रिंसिपल थे उनको भी पूछताछ लगातार 3 दिन से किया जा रहा है। आप कितने सेटिस्फाइड है इस इंक्वायरी से? कुछ कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक, इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? संदीप घोष, हाँ, पहले ही दिन आप उनसे मिले थे जिस दिन? नहीं नहीं, हमसे बात नहीं हुआ उसके, कोई बात नहीं। वो ना उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर निगेचर का, उन्होंने बोला हम उनको आप हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। उनका रवैया कैसे था घटना वाले दिन? एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया, पहले से तो हम ये बोल रहा है। यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। अब क्या ऐसा हुआ था कभी कि आपकी बेटी ने कॉल करके बताया हो कि अस्पताल में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है या कुछ ऐसा बात? नहीं, वो ये सब नहीं बोलते थे। वो बापी को कोई टेंशन आए, बापी माँ को कोई टेंशन आए, ये सब बात घर में कभी नहीं बोलते थे। पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल को उनकी भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे इस केस? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। उन्होंने भी आश्वासन दे के चला गया लेकिन हम लोगों का देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? जो क्रिमिनेशन घाट का बात बारे में बोलता है, शमशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया, आप लोग भी तो थे वहाँ पे? नहीं, इसमें तो क्या, उस टाइम में तो हम लोग तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया हम, इसलिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। 3 बॉडी में से पहले आपकी बेटी की बॉडी जलाया गया। किसने फोर्स किया था ये? क्योंकि उस समय निर्मल जो टीएमसी के यहाँ के विधायक है वो भी थे साथ में। वो तो पहले से ही मेरा साथ में था, वो जो क्या बोले दोस्त समान ही है। सब लोग ही हम लोग मलम लगाने का जल्दीबाजी में मलम लगाने के लिए जल्दी बाजी था। अभी अगर ओवरऑल आप देखेंगे जिस तरह से इंक्वायरी चल रही है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से सीएम का जो अभी जो भी बयान आ रहा है, इन सबको लेकर आप क्या बोलेंगे? सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसमें जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख हो गया, दुख आ गया। सीएम की भूमिका से आप नाखुश हैं? अभी तो नाखुशी है। एक और बात, जैसे बोला जा रहा था कि राज्य सरकार की तरफ से कंपनसेशन देने की बात आ रही थी। हाँ, बात है, बात वो बोला है। हम लोग पहले से उन्होंने जब पहला बोला हम ना कर दिया है हम, ना नहीं नहीं उसको तो नहीं बोला है उन्होंने। हम तो जब कंपनसेशन के बारे में बोला है, हम लोग दोषी का सजा मिलने के बाद जाएंगे आपका पास और कंपनसेशन के बारे में उस टाइम में बात होगा। और हम लोग भी मालूम नहीं है। अभी आप लोगों की आखिरी डिमांड जस्टिस, एक जस्टिस ही है, राज्य सरकार क्या है? वही जस्टिस देने का को मदद करे। सर आप संदेह जता रहे थे जहाँ पे बॉडी था वहाँ पे शायद आप लोगों को दिखाने के लिए जो इंसिडेंट हुआ अलग जगह, जो हो सकता है আপনাদের মাধ্যমে আমি সমস্ত বিশ্ববাসীকে একটা বার্তা দিতে চাই, আমরা সন্তানারা বাবা মা দুজন।